आवाज़ देखनी पड़ेगी इसको। हेलो हेलो कर दो। गुड आफ्टरनून बच्चों, जय श्री राम। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा है और अब समाप्ति की ओर है हम। अगर हमारा लेक्चर एक दो दिन चल गया तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ज़्यादा कुछ बाकी है नहीं, जो भी स्टोरी है वो आपको मैं बता चुका हूँ। लुई 16 अपना रिलेटिव बन चुका है, जिसका हमने सबसे ज़्यादा जिक्र किया है पिछले एक दो सप्ताह में। यहाँ तक सब कुछ क्लियर था, ये भी हमने कल पढ़ लिया था। ये कुछ एक्टिविटी है जो आपको करनी थी, यहाँ से आज हमें स्टार्ट करना है कि फ्रांस एबोलिस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। फ्रांस में कैसे मोनार्की समाप्त हुआ और कैसे रिपब्लिक आया, ये हम पढ़ेंगे। तो 1789 तक क्या हुआ था, आपको स्टोरी याद हो तो मैंने आपको बता ही दिया था कि 1789 में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन मानने के लिए मजबूर किया गया लुई 16 को। लुई 16 के पास दूसरा ऑप्शन था नहीं तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। पर दूसरी तरफ वो उस समय जो भी रूलर्स थे यूरोप के, उनके साथ में निगोशिएट कर रहा था, सीक्रेट निगोशिएशन में था कि यार आप मेरी मदद करो, आप मेरी मदद करोगे तो यहाँ पर वापस मोनार्की आ सकती है और आपके देश में खतरा नहीं होगा आपको, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई। तो आपके लोगों के दिमाग में भी बात डलेगी कि डेमोक्रेसी तो बहुत अच्छा सिस्टम है यार, अपने यहाँ पर भी डेमोक्रेसी के लिए फाइट करना चाहिए। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो भी उस समय रूलर्स थे यूरोपियंस, दे वर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर एंड दे वर रेडी टू हेल्प ईच अदर। अब इस समय जनता को पता चला, नेशनल असेंबली को पता चला, जो भी कम्युनिटी थी सरकार चला रही थी उनको पता चला कि यार हमारा राजा तो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। और साजिशें कैसे की जाती है तो आप तो एकता कपूर की नाटकों में देखिए, शाम को 7 बजे से आप बैठ जाइए, रात को 9-10 बजे तक जितने भी स्टार प्लस है, जी टीवी है या फिर सोनी टीवी है, इन पे जो भी सीरियल्स आते हैं उनमें साजिशें ही होती है। कैसे किसी की प्रॉपर्टी हत्या लिया जाए, कैसे किसी को जहर दे दिया जाए, किसी को साथ में क्या किया जाए, सारे नाटकों का यही सार है। तो साजिशें बड़ी खतरनाक होती है इंसानों के जीवन में, और जब इंसान के अपने ही साजिश करने लग जाए तो इंसान नहीं बच सकता, इंसान की मौत निश्चित है, इंसान के साथ धोखा होना निश्चित है। तो अपनों से खबरदार, कहते ना गैर तो आपको तकलीफ नहीं देंगे, गैर से आप बच सकते हैं पर अपनों से नहीं बच सकते हैं। और जब अपने ही साजिश करने या षड्यंत्र करने या कॉन्स्पिरेंसी करने वाले हों तो समझ लीजिए कि आपका अंत निकट है। तो हम आपको घबरा नहीं रहे हैं, डरा नहीं रहे हैं दोस्तों, पर एज ए टीचर आई वुड लाइक टू से यू कि कभी भी जीवन में अपनों के खिलाफ साजिश ना करें। अगर जो चीज़ें आपको चाहिए मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती है तो मेहनत करिएगा, भगवान आपको एक दिन जरूर देगा। और ऐसे कोई आपके आसपास है जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं तो ऐसे लोगों से होशियार, आप उनके मुंह पर अच्छे बनकर रहिए पर अंदर ही अंदर समझदार हो जाइए, क्योंकि आपको धोखा एक बार दिया जा सकता है, बार बार नहीं। अगर एक बार आपको कोई धोखा देता है ना, दूसरी बार आप होशियार हो जाइए, दूसरी बार उसको अपने आप को मत दीजिए ताकि वो अपने साथ फिर धोखा कर सके। ठीक है, पढ़ लेते हैं अब हम, क्या पढ़ाना है हमें। तो बिफोर दिस कुड हैपन, अपना पेन क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने पेन वाला इनेबल किया नहीं है। तो बिफोर दिस कुड बी हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। भाई इससे पहले कि प्रुशिया और ऑस्ट्रिया, इसको प्रशिया भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, ऑस्ट्रिया और प्रशिया, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है इसको प्रुशिया पढ़े या प्रशिया पढ़े। बाद में मेरे बाल मत खींचिएगा क्योंकि सर आपने ऐसा बोला वैसा बोला, क्योंकि अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो इससे पहले कि प्रुशिया और ऑस्ट्रिया फ्रांस पर अटैक करते, यहाँ की नेशनल असेंबली ने, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के। तो इससे पहले कि कुत्ता आपको काटे, आप कुत्ते को मत काटो, आप भाग जाओ वहाँ से, आपने बात का मतलब तो यही निकाला हुआ, इससे पहले कुत्ता अपने को काटे अपन कुत्ते को काट लें, तो बेटा कुत्ते को आप नहीं काट सकते। तो इससे पहले कि कुत्ता आपको काटने दौड़े आप भाग जाओ, अपने आप को बचा लो। तो इससे पहले कि फ्रांस पर प्रशिया और ऑस्ट्रिया अटैक करते, फ्रांस ने उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। अब वो तैयारियां कर रहे थे, तैयारियां पूरी नहीं थी और फ्रांस की पूरी तैयारी थी। तो नेशनल असेंबली अटैक्ड ऑन द प्रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स थ्रॉन्ग्ड फ्रॉम द प्रोविंस टू ज्वाइन द आर्मी। अब जितने भी वॉलंटियर्स थे, देशभक्त थे, उनको आर्मी ज्वाइन करनी पड़ी, क्योंकि फ्रांस का सामना दो देशों से हो रहा था और दोनों ही ताकतवर राष्ट्र थे उस समय, एक प्रशिया और एक ऑस्ट्रिया। तो दोनों को हराने के लिए अनगिनत लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, युद्ध के मैदान पर कूद पड़े। अब इन लोगों में से दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। इस युद्ध को किस तरीके से देखा गया, इस युद्ध को देखा गया किंग बनाम पीपल, जनता बनाम राजा, क्योंकि इस युद्ध का नतीजा ये डिसाइड करने वाला था कि यूरोप में आगे राजा महाराजा का शासन रहेगा या डेमोक्रेसी रहेगी। समझ रहे हैं आप?
तो फ्रांस के लोग ही नहीं, उस समय ऑल ओवर यूरोप से जितने भी लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, राजा के खिलाफ थे, वो फ्रांसीसी लोगों का सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरफ जनता थी जो राजाओं के खिलाफ लड़ रही थी, और दूसरी तरफ राजा महाराजा थे जो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। अब जब मॉरलिटी और मनी का युद्ध होता है, जब नैतिकता और पैसे की लड़ाई होती है, तो नैतिकता हमेशा जीत जाती है। तो ऐसा ही कुछ फ्रांस में हुआ कि फ्रांस की जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, वहीं पर प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के जो किंग थे वो किस लिए लड़ रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, पैसे के लिए लड़ रहे थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा महाराजाओं के खिलाफ थे, उन्होंने आकर किसका सपोर्ट किया, फ्रांसीसी का। और रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट आपको बता देते हैं। तो अमंग दी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दे सेंग वाज दी मर्साइलिस, ये काफी महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जिस प्रकार जनगणमन और वंदे मातरम हमारे लिए जरूरी, क्योंकि वंदे मातरम कब गीत गाया जाता था, जब भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों से लोहा लेते थे तब वंदे मातरम गाया जाता था। आनंद मठ नॉवेल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है और उसी में से ये लिया गया है। तो देशभक्ति से सरोवर है ये गीत। इस गीत को गाने के बाद में अचानक इंद्रियों में जोश आ जाता है, हमारी जो खून की स्पीड है, जो ब्लड की स्पीड है, वो अचानक बढ़ जाती है और इंसान झंझना जाता है। तो वंदे मातरम वॉज द सॉन्ग देट वॉज संग ड्यूरिंग दी रिवोल्यूशन बिफोर द 1947। तो उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से मर्साइलिस जो था एक सॉन्ग था जो किन लोगों के द्वारा गाया जाता था, इट वॉज ए पेट्रियोटिक सॉन्ग देट वॉज सेंग बाय द पीपल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। और एक किसके द्वारा बनाया गया था, रोजेट डी एल आइल, याद रखिएगा, रोजेट डी आइल भी पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे, और बहुत सारे बच्चे रोजेट डी एल आइल, तो आप जो भी पढ़ना चाहें, क्योंकि नाम फ्रेंच है, आप पढ़ लीजिए। भैया मेरे को तो फ्रेंच आती नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, पर जिस प्रकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखा था और रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन लिखा था, उसी प्रकार रोजेट डी एल आइल ने कौन सा सॉन्ग लिखा है, मर्साइलिस, जो क्या बना, नेशनल एंथम बना, किसका बना, फ्रांस का। और जब भी राजा से लड़ने जाती थी जनता तो इसी गाने को गाकर जाती थी। जैसे घर वाले कभी कभी तुम्हें कूट देते हैं ना, तो फिर आप गाना गाते तू कैसी, सारे सब्जेक्ट की क्लास 1 जुलाई के आसपास हो जाएगी। बच्चा वीडियो लेग हो रहा है सर, वीडियो पोस्ट, वीडियो लेगिंग चल रहा है, चल रहा है बच्चा, चल रहा है। यहाँ पर हमारे जो त्रिवेदी जी हैं वो बोल रहे हैं कि चल रहा है, देखो आपके मोबाइल को चेक करो, पानी में डुबा के देखो, धो अच्छे से इसको। अंतरा चौधरी जी, नहीं रुका तो था वीडियो, क्या वीडियो रुका तो था, क्योंकि कमेंट रुका है ना, थोड़ी देर के लिए रुका था। चल गया, वाह बात है, वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया सच्ची जी, किरण जी, प्रत्युष जी, चल गया, काफ़ी बढ़िया है। मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दो, मिठाइयाँ बंटवा दो कि अपना लेक्चर चलने लग गया है। और लगभग लगभग इस मुसीबत से हम निजात पा चुके हैं, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से मैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था, और मेरी इच्छा थी कि फांसी पे मैं भी टंग जाऊं, पर फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे घर में तो छत पंखा ही नहीं है, तो फिर मैंने अपना प्लान त्याग दिया। तो वो मेरे घर में छत पंखा है, उससे पहले अगर वीडियो चलने लग गया तो जो सुसाइड वाला प्लान है वो समझ लो पोस्टपोन, पर अगर छत पंखा पहले आ गया और तुम्हारा वीडियो नहीं सुधरा ना, तो फिर समझ लो अपना प्लान पक्का है। हालांकि वो बात अलग है कि मेरा छत इतना ऊंचा है नहीं कि मैं झूलूंगा तो मेरे पांव नीचे नहीं टिकेंगे, क्योंकि 6 फीट 1 इंच और 3 फीट हाथ और पंखा और रस्सी कुल मिलाकर मेरा जो छत है वो 9 फीट ऊंचा है, तो संभावना कम ही है कि मेरी जान जाए। तो अगर ये लेक्चर नहीं चला ना, तो यहाँ पर हमारे जय भैया है इनकी, और ये कैमरे वाले की जवाबदारी और ये नेट वाले की जवाबदारी, इन 3 लोगों की जवाबदारी रहेगी, जिसकी वजह से मैं काफ़ी डिप्रेस्ड हूँ। ठीक, बड़े आगे, हाँ सभी बच्चे बेटा, यार देखो मैं इतने मतलब ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुसाइड की बात कर रहा हूँ और तुम लोग है ना हंस रहे हो, ये नहीं कि सर प्लीज़ ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है। अभी कल ही मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक लड़का और एक लड़की दोनों ने लाइव जहर खाया और दोनों मर गए, लोग घर वालों को वीडियो भी भेजा उन्होंने। उसके पहले वो लड़की थी जो शायद मुंबई की थी, वो भी लाइव वीडियो बनाकर कूद गई। तो आजकल ट्रेंड चल रहा है, कोई भरोसा नहीं कि सर अभी जेब में चाकू निकाले और अपनी नस काट ले, तो बी अवेयर, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं और के सामने अगर कोई किसी की आत्महत्या होती है, कोई मरता है, तो सामने वाले को सजा होती है बेटा, ओ तो बच के रहना अगर कोई ऐसी बात करे, तो जल्दी से ऑफलाइन हो जाना अगर कोई आत्महत्या करने की बात कर रहा है। तो वीडियो हमारा चल रहा है, कोई डर वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो अपना प्लान था वो कैंसिल करना पड़ेगा, और पंखा भी मैं सोच रहा था कि कौन सा ऐसा पंखा खरीदा जाए जिसमें आत्महत्या करने में कंफर्टेबल होगा, क्योंकि आजकल पंखे बड़े कमजोर होते हैं, पता चले आप उससे टंगने गए तो पंखा ही नीचे आ गया और सिर फूट गया, डॉक्टर अलग मारे, आपको साले आत्महत्या करना भी नहीं आता, तुझे हमसे थोड़ा स्कीम पूछ लेता। तो आजकल बहुत सारी समस्याएं भैया,
तो यहां तक सब कुछ क्लियर है आपको कि मर्साइल इज ए नेशनल एंथम विच वॉज संग ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस एंड इट वॉज रिटन बाय द रोजेट डी आइल. इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम by volunteers from Marseilles as they marched into Paris and so got its name. अब इसको Marseilles क्यों कहा जाता है भैया? तो Marseilles जो कहा जाता है इसको Marseilles से कहा जाता है. मतलब दोनों ही थोड़ा confusing है. मैं जो को देख लेने दो, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हो रही है. ये Marseilles ठीक है और ये Marseilles ये सिटी का नाम है जहाँ से volunteers पेरिस में आए थे रिवोल्ट के लिए. तो वो एक गाना गाते हुए आए थे तो बस वहीं से इसका नाम पड़ गया क्योंकि Marseilles के लोगों के द्वारा गाया गया था. Marseilles पीपल के द्वारा गाया गया था इसलिए Marseilles इसे कहा गया. तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भाई Marseilles क्यों कहा जाता है इसको? जैसे जनगणमन को जनगणमन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो मुखड़ा है वो जनगणमन है. ये दुनिया पित्तल दी गाने को ये दुनिया पित्तल दी क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया तो पित्तल की है नहीं ना, दुनिया सोने की है, पर उसका जो मुखड़ा है वो है दुनिया पित्तल दी. तो हमने उस गाने का नाम रख दिया दुनिया पित्तल दी और बेबी डॉल में सोने दी. तो वो समझ गए होंगे आप. तो इसका नाम क्यों पड़ा ये आपको समझ में आ गया. द Marseillaise इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. ये भी एक महत्वपूर्ण है, काफ़ी आईएमपी है. कौन बनेगा करोड़पति में कभी आपको जाने का मौका मिला और अमिताभ बच्चन जी के सामने हॉट सीट पर आप बैठे तो शायद आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है. एनटीएससी में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, किसी और प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है. ये अक्षिता सिंह ना जाने किसको चाचा जी बोल रही है, मुझे तो नहीं बोल रही है, मेरी भतीजी भैया मुझे नहीं चाहिए भतीजा भतीजी. अभी मेरी काफ़ी कम उम्र है तो मुझे कोई भतीजा भतीजी नहीं चाहिए. मुझे नहीं पता है किसको चाचा जी बोल रही है. हाँ बाकी काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, बड़ा अच्छा लग रहा है. ना जाने कितने दिनों के बाद में आज मोर देन हंड्रेड्स आर वॉचिंग मी यूट्यूब और स्टडी अड्डा मिलाकर, तो बहुत अच्छी बात है. क्लास कितने बजे थी? क्लास 12 बजे ही थी आज. क्या बात है क्या बात है. आज तो ज़्यादा लोग, अर्शी उस्मानी जी भी आ चुकी है, प्रियंका चोपड़ा जी भी हमारे साथ में आ चुकी है, अपर्णा और खुशी दोनों आ चुकी है, तृप्ति कुमारी जी भी हमारे साथ में है, और सुरुचि जी, अनमोल कश्यप जी, बहुत बड़े बड़े लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं. भैया सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है बच्चों को. तो द रिवोल्यूशनरीज वॉज ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल. While the men were away fighting at the front, women were left to cope with the task of earning a living and looking after their families. अब जब युद्ध चल रहा था ना तो सभी लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि युद्ध जब चलता है तो मुसीबतें दौड़कर आती है. अभी कोरोना के समय आप देख लो, हर कोई टेंशन में, किसी की नौकरी चली गई, किसी को सैलरी नहीं मिल रही है, तो किसी का धंधा चौपट हो गया, तो किसी की वाइफ गई तो आई नहीं, किसी का हस्बैंड गया तो आया नहीं, बच्चे अलग घर वालों को आग दिखा रहे हैं और मम्मी पापा अलग बच्चों को कूट रहे हैं, दादा दादी अलग लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर सभी टेंशन. तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति बनी थी फ्रांस में. एक तरफ जो जेंट्स थे वो तो बॉर्डर पर युद्ध लड़ रहे थे, महिलाओं के ऊपर क्या जवाबदारी आ गई, घर परिवार चलाने की, बच्चों की पढ़ाई देखना है, बच्चों की देखभाल करनी है और खाना पीना अरेंज करना है. वाइल द मेन वर फाइटिंग एट द फ्रंट एंड वीमेंस वर पार्टिसिपेटिंग इन डे टू डे वर्क. तो बस समस्याओं का पहाड़ टूट पड़ा था लोगों पर. लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू बी कैरीड फर्दर. As the Constitution of 1791 gave political right only to the richer section of the society, political clubs became an important rallying point for people who wished to discuss government policies and plan their own forms of the action. ये दो लाइन समझने की कोशिश करिएगा आप. 1791 में क्या हुआ? नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे नियम लिखे गए. अब वो नियमों के बाद में जनता को ये उम्मीद थी कि यार हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा. पर क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि नतीजा ये हुआ कि जो अमीर वर्ग था उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिया गया. जो लोग टैक्स पे करते थे वही सिर्फ वोट डाल सकते थे, तो उन्हीं के जीवन में सुधार आया. तो जो गरीब वर्ग था, जो मिडिल क्लास थे, उनको ये लगा कि यार हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ हो गई चोट, हमारे साथ हो गया धोखा, हमें अधिकारों के नाम पर दे दिया गया लॉलीपॉप और उसे चूसते रहो, इसके अलावा कुछ नहीं मिला. तो इस बार दे वर फाइटिंग फॉर दियर राइट्स एंड दे थॉट कि अगर अब हमें पावर मिला तो हम क्या करेंगे, सारे अधिकार सभी लोगों को एक समान दे दिए जाएंगे. अब वो नहीं कि अमीर लोगों को ये अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि पहले राजा महाराजाओं को था, फिर राजा महाराजाओं से थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया और अधिकार किसको दे दिए गए, अपर रिच क्लास को. अब ये लोग लड़ रहे थे अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए. तो द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दिस क्लब्स वॉज देट ऑफ द जेकोबिन्स विच गोट्स इट्स नेम फ्रॉम द फार्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब इन पेरिस. अब ऐसे बहुत सारे क्लब बनाए गए जो गरीब लोगों की बात कर रहे थे, और उन क्लब्स में सबसे महत्वपूर्ण जो क्लब था वो जेकोबिन क्लब था.
अब जेकोबिन क्लब को जेकोबिन क्यों कहा गया, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि बता मेरे लाल कि जेकोबिन क्लब को जेकोबिन क्यों कहा गया। तो इसका नाम जो पड़ा था वो एक कॉन्वेंट थे, फॉर्मर कॉन्वेंट सेंट जेकोब, उनके नाम से पड़ा था। और ये कहाँ के थे, पेरिस के। तो जो सेंट जेकोब वाज द कॉन्वेंट, या ये कह सकते हैं स्कूल हुआ करते हैं कॉन्वेंट स्कूल, उसके नाम पर जेकोबिन क्लब पड़ा था। और ये सबसे फेमस क्लब था वीमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म्ड देयर ऑन क्लब्स। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट देयर एक्टिविटीज एंड डिमांड्स। अब इस समय एकमात्र ऐसी घटना है इतिहास की जहां पर महिलाएं भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी किसी प्रकार के पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में, और वो था क्लब्स। तो महिलाओं ने भी अपने क्लब्स बनाए, अपनी डिमांड्स कर रही थी, और दे वर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर राइट्स। तो बहुत कुछ हो रहा था फ्रांस में। तो ये हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। अब आज आपसे पूछा जा रहा है पहला प्रश्न आज का। तो पहला प्रश्न है आपसे, कौन सा प्रश्न पूछा जाए, हाँ, जो वंदे मातरम सॉन्ग है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है, पर सबसे पहले कौन सी बुक या कौन से नॉवेल में लिखा गया था, जस्ट टेल मी। अभी मैंने आपको बताया था कि वंदे मातरम इस बुक से लिया गया है, तो आपको मुझे उस बुक का नाम बताना है जो काफी महत्वपूर्ण है। वेदिका जी हाय। हाँ, कॉन्वेंट का मतलब होता है, तुमने पढ़ा ना कॉन्वेंट स्कूल, कॉन्वेंट होता है एक समूह। कॉन्वेंट का अगर इंग्लिश से हम हिंदी मतलब निकाले तो समूह, एक मंडली। और आजकल क्या है, कॉन्वेंट में बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जिस प्रकार पहले के समय में मंदिरों में या दूसरी जगहों पर बच्चों को इकट्ठा करके पढ़ाया जाता था ना, तो वैसा क्रिश्चियन एरा में कॉन्वेंट हुआ करते थे, तो जहाँ पर सभी बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी। तो कॉन्वेंट मीन स्कूल कह सकते हैं आप, या एक ऐसी जगह जहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जल्दी से आंसर करें, सबसे पहले कौन सी बुक में लिखा गया था। अंशिका चौरसिया जी, जल्दी से आंसर करें कमेंट में फास्ट, वीडियो आगे पीछे ना करें वरना पता चले। हाँ हाँ, आ गया आंसर हमारा, सबसे पहले यूट्यूब से आया है। आनंद मठ, कपिस सिंगला का द्वारा आंसर दिया गया है, और कपिस एक ही बार कमेंट करें बेटा। सालू ठाकुर ने दूसरे नंबर पे दिया है, कपिस सिंगला। आज के हमारे कौन बनेगा करोड़पति के पहले विनर है कपिस सिंगला। बेटा तुम सिंगल हो क्या, तो तुमने सिंगला लिखा है कि तुम्हारा सरनेम ही है। अब मुझे नहीं पता, अगर सिंगला सरनेम है तो सॉरी, और अगर आपने सिंगल को बताने के लिए लिखा है सिंगला तो अलग बात है। तो कपिल सिंगल जी आज हमारे कौन बनेगा करोड़पति के पहले विनर हैं। अच्छा, ये हॉर्न स्कूल इज लाइव, ये हॉन्ड स्कूल क्या है, इसको ब्लॉक मारो यार, ये उल्टी सीधी कमेंट कर रहा है यूट्यूब पे, देखो तो मुझे को समझ में नहीं आ रहा है ऐसी कमेंट ही क्या कर रहा है ये, इसके चैट डिलीट करो, कुछ भी करो इसको। हॉन्ड स्कूल इज लाइव है ना। सत्यम रजवानी जी सही आंसर दिया आपने, सूफी खान आनंद मठ, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों के आंसर एकदम सही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें आप, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है हमको, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। ये जेकोबिन क्लब की आपको ड्रेस दिख रही है, हालांकि ऐसी ड्रेस आपको बाजा बजाने वाले लोगों की दिख जाएगी। अब आजकल तो है ना, ये ट्राउजर जो है इस प्रकार का एक टाइम पर काफ़ी ट्रेंड हुआ करता था, इसके लिए मैंने घर वालों से काफ़ी लड़ाई करी थी, मुझे ये जीन्स चाहिए या ये पेंट चाहिए। पर आप पता चला जब मैंने ना बच्चों को पढ़ाने लगा, तब मुझे पता चला यार ये पेंट तो जेकोबिन क्लब वालों का है यार, ये तो नहीं चाहिए यार। तो ऐसे पेंट एक टाइम पर ट्रेंड हुआ करते थे, लोग इनको पहनने के लिए मरा करते थे। तो ये पिक आप देख सकते हो, गूगल कर सकते हो, आपकी किताब में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये कौन थे, ये सेंट क्लूटोस थे। सेंट क्लूटोस मतलब मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब। क्या होता है हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय जेकोबिन क्लब, या हु आर द मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब। तो ऐसे प्रश्नों का सामना करने के लिए हमें कुछ आना चाहिए, क्योंकि अगर आएगा नहीं तो आप आंसर कैसे दे पाओगे, आंसर नहीं दे पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, नंबर कम हो जाएंगे। और नंबर तो आज के जमाने में कम होना नहीं चाहिए, क्योंकि घर वालों की नाक कटनी नहीं चाहिए रिश्तेदारों के सामने। आज तो 98 और 99 मार्क्स है ना, तो भी समस्या हो जाती है कि यार एक नंबर कैसे कम आ गया, एक नंबर के लिए बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हाँ, तो द मेंबर्स ऑफ द जेकोबिन क्लब बिलोंग्ड मेनली टू द लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पहले प्रश्न का उत्तर,
जेकोबिन क्लब्स के मेंबर्स कौन थे? तो ये वो लोग थे जो लेस प्रोस्पीरियस थे, मतलब कम अमीर लोग, काफी गरीब परिवार से या गरीब लोग हुआ करते थे। तो पुअर पीपल वर द मेंबर्स ऑफ द जेकोबिन क्लब, बात को घुमाकर कहा गया है पर हम सीधी पकड़ते हैं। घर वालों ने घुमाकर बोलते हैं ना कि बेटा मामा के यहाँ जाएगा कि यहीं रहेगा, मामा के यहाँ जाएगा तो तुझे मोबाइल मिल जाएगा, यहीं रहेगा तुझे मोबाइल नहीं मिलेगा। तो घर वाले सीधा सिंपल सा आपको यहाँ नहीं रखना चाहते, मामा के घर भेजना चाहते हैं। तो आप पॉइंट की बात पकड़े, तो पॉइंट की बात क्या है कि दे वर पुअर, दे इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, कौन कौन थे? शॉपकीपर्स, आर्टिशंस, शूमेकर्स, पेस्ट्री कुक, वॉचमेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर। तो बेचारे जो गरीब लोग थे जिनके खाने कमाने के वांदे थे और बहुत समस्या थी जीवन में, वो सब किसके मेंबर्स बने? जेकोबिन क्लब के। क्योंकि सबसे पहले राजा महाराजा ऐश कर रहे थे, फिर राजा महाराजा का शासन समाप्त हुआ, फिर अमीर वर्ग आ गया टॉप पे। अब अमीर वर्ग के खिलाफ गरीब लोग लड़ रहे थे, तो दियर लीडर वास मैक्समिलन रॉबर्ट स्पियरी। उनका जो लीडर था वो कौन था? मैक्समिलन रॉबर्ट स्पियरी। इसका नाम मत भूलिएगा क्योंकि आपसे ये प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है। तो मैक्समिलन रॉबर्ट स्पियरी वाज द हेड ऑफ जेकोबिन क्लब। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? क्या समझ में आया कि मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब वर मेनली फ्रॉम द लेस प्रोस्पीरियस सोसाइटी, देवर लाइक आर्टिशंस, देवर लाइक शू मेकर, देवर लाइक पेस्ट्री मेकर एंड देवर लाइक डेली वेजेस वर्कर एंड देयर लीडर वॉज मैक्समिलियन रॉबर्ट स्पियरी। अब अ लार्ज ग्रुप अमंग द जेकोबिन्स टू डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स सिमिलर टू दोज वॉर्न बाय द डॉक वर्कर्स। This was to set themselves apart from the fashionable sections of the society, especially nobles who wore knee breeches. It was way of proclaiming the end of the power wielded by the wearers of the knee breeches. अब इसका मतलब क्या कहा गया है कि इन लोगों ने अलग प्रकार के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए ताकि ये अपने आप को अलग दिखा सके उन लोगों से जो नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटने तक पैंट पहनते थे, अपने आप को प्रोस्पीरियस कहते थे, अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे। तो इन्होंने अपना एक क्लब बनाया, अपने एक ड्रेस कोड डिसाइड करी, जिस प्रकार स्कूल में होती ना ड्रेस कोड डिसाइड, कि इस प्रकार के कपड़े बच्चे खरीदेंगे और स्कूल वाले बता भी देते हैं कौन से दुकान से खरीदने हैं। उस दुकान से खरीदोगे तो ही कपड़े आपके एक्सेप्ट होंगे, वरना नहीं एक्सेप्ट होंगे। मान लो व्हाइट शर्ट है पर आपने ए दुकान पर से खरीदी और स्कूल वालों ने सजेस्ट करा कि आप बी से खरीदेगा, अगर आपने ए से खरीद ली तो बोले आपकी शर्ट तो व्हाइट है ही नहीं। आप बोलोगे सर ये तो व्हाइट ही है, ये वो वाला व्हाइट ही नहीं जो हमने सजेस्ट करा, वो वाला व्हाइट। फिर आप बोलोगे सर इसमें क्या प्रॉब्लम है? बोले इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमने आपको बी वाला सजेस्ट किया था, आपने ए वाले से खरीदा, वहां हमारा 30% डिस्काउंट था, यहां पर हमारा डिस्काउंट नहीं है, इसलिए शर्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार स्कूल वाले ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं, ऐसी ही ड्रेस कोड किसके द्वारा डिसाइड करी गई? जेकोबिन क्लब के द्वारा। होगी ना आपके स्कूल में ड्रेस चलती होगी, कहीं दो होती है कहीं पर तीन होती है। और बच्चों यहाँ पर देखो मैं बताऊँ आपको, मैं खुद स्कूल में पढ़ाता हूँ पर पॉइंट की बात बता रहा हूँ कि यार स्कूल ड्रेस से लेकर किताबों तक, पेन से लेकर पेस्ट्री तक सब कुछ पर डिस्काउंट होता है और बच्चों को जानबूझकर परेशान किया जाता है। बहुत सारे स्कूल ऐसे होते हैं हर दो साल में ड्रेस बदल देते हैं ताकि पैसा कमा सके। जानबूझकर ऐसे ऐसे पब्लिशरी किताब रखी जाती है कि जो किताब है 500 की और पेज आते हैं 70 रुपए के, वो बस कमाने के तरीके हैं। चलो भाई साहब, किसी प्रकार डाउट यहां पर? प्रत्युष पचौरी जी, बेटा रिंकी के पापा है ना, रिंकिया के पापा बहुत मारेंगे तुमको अगर फेल हो गए हो तो, पढ़ाई पे ध्यान दे दो। जो को समझ में नहीं आ रहा क्या बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, चलिए ठीक है, डाउट तो नहीं है, बस कहने का मतलब ये, कहने का तात्पर्य ये है इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन आस्क, अदरवाइज डजंट मैटर। अब जी अपनी ज़िंदगी में यूट्यूब के अलावा तृप्ति कुमार आनंद मठ, ठीक है आनंद मठ आंसर दिया, पर बच्चों यार तुम काफ़ी लेट आंसर देते हो, स्टडीड वाले बच्चे काफ़ी लेट आंसर देते, जल्दी दीजिए। व्हाट इज लेस प्रोस्पीरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मतलब जो गरीब वर्ग हैं, आरसी उस्मानी जी बताया था, यहाँ पर पीजेंट्स बता दिए गए, यहाँ पर डेली वेजेस वर्कर्स बता दिए, और भी बहुत सारे ग्रुप के बारे में बताया गया, तो ये लेस प्रोस्पीरियस है। नहीं तुम्हारा दीपक कुमार जी देख रहा हूँ मैं, तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ, पर तुम लोगों का कमेंट थोड़ा मेरे पास टाइम से नहीं आ रही, थोड़ी सी लेट हो रही है यार, मुझे दिख नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, व्हाई इट्स सो। तो दिस जेकोबिन्स केम टू बी नोन एज द सेंट प्लूटोस, बाद में इनको अपने ड्रेस के कारण किस नाम से पुकारा जाने लगा? सेंट प्लूटोस के नाम से। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है हु वर द सेंट क्लूटोस, तो सेंट क्लूटोस वर नोन एज अ
मेंबर ऑफ जेकोबिन क्लब या सेंट प्लूटोज वर द मेंबर्स ऑफ जेकोबिन क्लब, ये आंसर हो सकता है। लिटरली मीनिंग ऑफ दोज विदाउट नी ब्रीचेस, भाई ये कौन लोग हैं जो विदाउट नी ब्रीचेस है। सेंट प्लूटोस मैन वर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज्ड लिबर्टी, अब ये लोग है ना एक्स्ट्रा रूप से रेड कैप पहनते थे, और रेड कैप का मतलब क्या होता है, जो आज़ाद हो चुके हैं, हमने पहले पढ़ा था सिंबल के रूप में, तो रेड कैप इसलिए पहनी जाती थी इन लोगों के द्वारा। वीमेन हावेवर वर नॉट अलाउड टू डू सो, पर महिलाएं रेड कैप नहीं पहनती थी, महिलाएं कुछ अलग प्रकार का हेड पहनती थी। इस हेड को क्या कहते हैं देखिए आप, ठीक है, ये हेड पहना जाता था, कुछ इस प्रकार के उनके कपड़े हुआ करते थे, कुछ इस प्रकार के इनके कपड़े हुआ करते थे, और कुछ इस प्रकार की टी शर्ट स्टडेड्डा वालों के द्वारा पहनी जाती है। तो सब कुछ क्लियर है, ध्यान रखिएगा, लाल टी शर्ट में आपको कोई इंसान दिख रहा है और उस पर सदनाइट लिखा हुआ है, समझ लीजिए स्टडेड्डा का ऑफिशियल बंदा है, छोड़ना नहीं है उसको। आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो उसको पकड़ लो, उसको घेर लो और पूछो भाई कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है। एक बच्चे ने हमसे कॉन्वेंट का मतलब पूछा था, यहाँ पर दिया गया है बिल्डिंग बिलोंगिंग टू अ कम्युनिटी डिवोटेड टू अ रिलीजियस लाइफ, भाई जहाँ पर आश्रम की तरह पढ़ाया जाता है, रखा जाता है, उसे कहा जाता है कॉन्वेंट। तो आज के ज़माने में स्कूल ही हम मान सकते हैं, जहाँ पर बिल्कुल रिलीजियस वे में आपको रखा जाता है, पढ़ाया जाता है, संस्कार दिए जाते हैं। कॉन्वेंट का मतलब क्लियर हो गया, ठीक। कुछ छूटा गया इधर, इधर कुछ छूटा गया ना, कुछ भी नहीं छूटा हुआ है। अब फिगर 10 क्या कहता है, नेनाइन वलाइन लिबर्टी, दिस इज वन ऑफ द रेयर पेंटिंग बाय अ वुमन आर्टिस्ट, द रिवोल्यूशनरीज इवेंट्स मेड इट पॉसिबल फॉर वुमेन टू ट्रेन विथ एस्टेब्लिश्ड पेंटर्स एंड टू एग्जिबिट देयर वर्क्स इन दिस सैलोन विच वॉज एन एग्जिबिशन हेल्ड एवरी 2 years। द पेंटिंग इज अ फीमेल एलोगरी ऑफ द लिबर्टी, दैट इज द फीमेल फॉर्म सिंबलाइजेज द आइडिया ऑफ फ्रीडम। यहाँ पर आप एक स्टेचू देख रहे हैं, एक पेंटिंग देख रहे हैं, इस पेंटिंग में जो महिला है उनको किस रूप में दिखाया गया है, उनको एक एलोगरी के रूप में दिखाया गया है, एलोगरी ऑफ फ्रीडम मतलब आज़ादी के प्रतीक के रूप में उनको बताया गया है। तो जो एग्जीबिशन होता था हर 2 साल में होता था, और इसमें कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी जिसका थीम होता था नेशनलिज्म या नेशन के ऊपर होती थी। तो ये पेंटिंग देखकर आप समझ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कह सकते हैं कि ये पेंटिंग किसकी है, ये पेंटिंग है फ्रीडम देवी की, ये आज़ादी देवी की। दूसरा प्रश्न हम पूछ लें, अब दूसरे प्रश्न का टाइम हो गया है, सेकंड क्वेश्चन। पहला प्रश्न तो हमारा किसने दिया था, नाम देख लेते हैं एक बार, हमारे क्या नाम था हमारे बालक का, कपिस सिंगला, ठीक है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाए, आर यू रेडी गाइस टू गिव मी सेकंड आंसर। प्रियंका जी, नहीं हॉस्टल नहीं होता, हॉस्टल नहीं होता, एक यहां पर क्या होता है कुछ धर्म के कर्मकांड भी करवाए जाते हैं आपसे, कुछ प्रेयर वेयर करवाई जाती है। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन आप स्टडेड डालो, फटाफट आंसर दीजिएगा मुझे, सबसे जल्दी आपका ही आंसर निकल कर आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, हु वॉज द राइटर ऑफ मर्साइलिस, मर्साइलिस का राइटर कौन था, नाम बताइए जल्दी से, हु वॉज द राइटर ऑफ मर्साइलिस। गिव मी फास्ट आंसर हिमांशी मेहता जी, जल्दी से आंसर दीजिए। अमृत सागर वर्मा जी आंसर दे जल्दी फास्ट। अंशी का आंसर मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स पियरी, ये तो बेटा उसका हेड है जेकोबिन क्लब का, गुज्जर जी ये तो हेड है जेकोबिन क्लब का, मैं पूछ रहा हूँ राइटर। सुरुचि मिश्रा जी ने अधूरा आंसर दिया है, रॉबर्ट डी आइल, एल आइल। हिमांशी मेहता, सुरुचि मिश्रा को हम देते हैं पॉइंट, चलो ठीक है रॉबर्ट। हिमांशी मेहता ने पूरा आंसर लिखा है, आर्यन चौहान ने भी लिखा है, वेदिका जी ने भी लिखा हुआ है, तो सुरुचि मिश्रा को जाता है ये आंसर, सुरुचि मिश्रा। युवराज ने भी लिखा था, रुचिका ने भी लिखा था, वाह यार लिखा है सबने। गाड़ी वाला आया घर से, नाम निकाल क्या है, किसका आंसर है, सुरुचि मिश्रा।
रॉबर्ट डी एल आई, याद रखेगा उसका नाम रॉबर्ट डी एल आई, एल साइलेंट बच्चों। ठीक है अंतरा चौधरी जी, बहुत बढ़िया बच्चों ने आंसर नाम याद रखा, वही बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि नाम बहुत मुश्किल से याद रहता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट याद रख पाना। तृप्ति कुमार, ऋषभ गौतम, प्रियंका जी, गरिमा वर्मा जी, दक्ष जी, वेदिका जी, आर्यन चौहान जी, क्या बात है क्या बात है, आंसर की झड़ी लगा दी, आंसर की झड़ी लगा दी सभी लोगों ने। अनमोल कश्यप जी भी आंसर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, हम थर्ड आंसर के लिए ट्राई करेंगे। तो इन द समर ऑफ 1792 द जेकोबिन्स प्लांट एंड इन सरेक्शंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्शियंस हु वर एंगर्ड बाई द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइजेस ऑफ द फूड ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ द टुलरीज। याद रखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, कौन सी घटना की हम बात कर रहे हैं। मैसेकेर्ड द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज ए हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर्स। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। इलेक्शन वर हेल्ड फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। The newly elected assembly was called the convention. On 21st September 1792, it was abolished the monarchy and declared France as a republic. तो ये दो डेट याद रखिएगा। देखिए क्या हुआ, पूरी घटना मैं आपको बता देता हूँ, पर कुछ चीज़ें मुझे हाईलाइट कर देना। तो पहले कन्वेक्शन आप याद रखना, दूसरा 21st सेप्टेम्बर 1792 याद रखना, और तीसरा आप याद रखना टुलरीज, उसके बाद में 10th of August। देखिए 1792 में जेकोबिन्स के द्वारा एक प्लान बनाया गया, वो जनता पहले ही राजा से नाराज थी, बस वो चाह रहे थे बहाना। अचानक क्या हुआ कि 10th of August को शॉर्ट सप्लाई हो गया, चीज़ों की कीमतें बढ़ने लग गई और मार्केट में चीज़ों की कमी होने लग गई। अभी कोरोना के समय हुआ था ना, दाल लेने जाओ दाल नहीं मिल रही, चावल लेने जाओ चावल नहीं मिल रहा है, जनता काफ़ी असंतुष्ट होती है जब खाने पीने की चीज़ों की कमी होती है। तो बस फ्रांस में 10 अगस्त को कुछ ऐसा ही हो रहा था, मेरे जन्मदिन से 9 दिन पहले, क्योंकि मेरा जन्म 19 अगस्त को हुआ है, तो 10 दिन पहले क्या हुआ, 9 दिन पहले क्या हुआ कि शॉर्ट सप्लाई हो गया, प्राइजेस ऑफ द फूड इंक्रीजिंग डे बाई डे, पीपल वर वेरी टायर्ड by the prices of the goods, that's why they wanted to support the Jacobins. Jacobins planned to attack on the king and they attacked on the Tuileries. और वहाँ पर उन्होंने राजा के जो भी गार्ड थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनको क्या करते हैं यार, गिरफ्तार करके बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में राजा को भी कुछ समय के लिए बंदी बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब इलेक्शन होंगे और इलेक्शन में कौन लोग मेंबर रहेंगे, वो लोग मेंबर रहेंगे जो लेस प्रोस्पीरियस क्लास से हैं। फिर नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और इस बार एक नया नियम बना कि जो भी 21 साल के हैं और 21 साल से ऊपर के हैं, बगैर पैसे के, बगैर टैक्स के, सभी लोगों को वोटिंग डालने का अधिकार होगा, किसी के भी अधिकारों से, मतलब अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, भले वो अमीर हो या गरीब हो। और ये जो पूरा सिस्टम हुआ, जिन लोगों को चुना गया उसे क्या कहा गया, उसे कन्वेंशन कहा गया। और 21 सेप्टेम्बर को यही पूरी प्रोसीजर कम्प्लीट हुई और उसके बाद में फ्रांस को क्या डिक्लेयर कर दिया गया एज ए रिपब्लिक, की जो भी सरकार का हेड होगा अब उसको जनता चुनेगी, राजा का किसी भी प्रकार से रोल नहीं होगा। पूरी रॉयल फैमिली को कहाँ डाल दो, जेल में डाल दो, भेज दो इनको जेल में, ये अपने आप में मस्त और हम अपने आप में मस्त। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इन द समर ड्यू टू द शॉर्ट सप्लाई ऑफ द फूड जेकोबिन्स प्लान टू अटैक ऑन द किंग, दे अटैक्ड ऑन द किंग, दे आल्सो मेक इम्प्रिजन द सोल्जर्स ऑफ द किंग एंड किंग वॉज आल्सो इम्प्रिजन बाय Jacobins for few hours. After some time they decided that they are going to change the constitution and they implemented the constitution and the make new law, and according to that law anyone who are above 21 can vote, and the new assembly was elected by the Jacobins and that was known as a convention. On 21st September 1792, the France become the Republic because the royal family was arrested and sent to the jail. Okay, बच्चा यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। अब अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, अगले पैराग्राफ में अगर हम जाएं तो as you know, जैसा कि आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, a republic is a form of government where the people elect the government including the head of the government. तो रिपब्लिक का मतलब होता है सरकार का चयन किया जाना और सरकार के मुखिया का चयन किया जाना, किसके द्वारा, जनता के द्वारा। तो देर इज नो हेरिडिटरी मोनार्की,
यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट अबाउट सम अदर कंट्रीज दैट आर रिपब्लिक्स एंड इन्वेस्टिगेट व्हेन एंड हाउ दे बिकम सो। तो आपकी अगर इच्छा हो कि रिपब्लिक क्या होता है, कैसे रिपब्लिक राष्ट्र बने हो, दुनिया में कितने रिपब्लिक राष्ट्र हैं और कब कब बने, तो इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। धीरूभाई अंबानी जी के पुत्र मुकेश अंबानी जी के द्वारा जो जियो दिया जा रहा है आपको, उसके मदद लेनी पड़ेगी। या आप लक्ष्मी मित्तल के भाई भारती मित्तल का एयरटेल भी यूज़ कर सकते हैं। वोडाफोन के कौन फाउंडर अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है, तो दोनों तीनों का माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि क्या होता है रिपब्लिक और किन किन देशों में रिपब्लिक आया और कैसे आया। लुई सिक्सटीन वाज सेंटेंस टू द डेथ। भाई लुई सिक्सटीन के साथ में क्या हुआ, बंदा बहुत साजिश कर रहा था और एकता कपूर की नाटकों में जिस प्रकार से साजिशें होती है और अंजाम तो आपको पता ही है, लुई सिक्सटीन का वही अंजाम हुआ। उतार दिया गया बंदे को मौत के घाट, दे दी गई मौत की सजा। एंड ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्डे, कि यहाँ पर जनता के सामने उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और जो क्वीन थी मैरी एंटोइनिट, इनका भी हमने जिक्र किया था, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, कुछ समय बाद उनको भी वही भुगतना पड़ा जो राजा के साथ में हुआ। राजा को पब्लिकली फांसी पर टांग दिया गया था, कुछ समय बाद उनकी पत्नी को भी फांसी के तख्ते पे टांग दिया गया। तो फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, जहाँ पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अधिकारियों को जनता के द्वारा चुना जाता है। बिफोर इट फ्रांस वास मोनार्की, और मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजा का शासन, राजा के बाद राजा के बेटे का शासन। जैसा कि ऋतिक रोशन ने कहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, तो बस ऋतिक रोशन ने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, फ्रांस के। तो राजा का बेटा राजा नहीं बना क्योंकि राजा को ही टांग दिया गया फांसी के फंदे पे। राजा जो था बच्चा क्या करना चाहता था, बढ़ाना चाहता था टैक्स, तो उसको थोड़ी मालूम था टैक्स बढ़ाने के चक्कर में इतने लफड़े हो जाएंगे, पर टैक्स बढ़ाने के चक्कर में जान घट गई। तो जब सरकार टैक्स बढ़ाना चाहती है तो पब्लिक में नाराजगी होना आम बात है। तो ये है सब कुछ जो अभी तक हमने पढ़ा कि फ्रांस में क्या हो रहा था, व्हाट वाज हैपनिंग इन द फ्रांस दैट टाइम। ठीक है बच्चा, अब हो गया, अब मेरे को लगता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो लिया जाए, पानी की प्यास बुझा ली जाए। आपसे थर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अब हम निकलते हैं। कन्वेंशन मतलब न्यू नेशनल असेंबली। ठीक है अंशिका चौरसिया जी, कन्वेंशन का मतलब होता है न्यू नेशनल असेंबली, क्योंकि जब इलेक्शन हुए ना उसके बाद जिन लोगों को चुना गया, जो असेंबली चुनी गई उसे कन्वेंशन कहा गया था। पहले जो असेंबली चुनी गई थी उसे नेशनल असेंबली कहा गया था। गरिमा वर्मा जी थैंक यू वेरी वेरी मच। इंटरनेशनल रजिस्टर, क्या नाम है बेटा, अपना नाम रखो यार, माँ बाप पंडित जी ना जाने कितने लोग मेहनत करते हैं तब जाकर आपका नाम रखते हैं। मुझे मेरे नाम पर बड़ा गर्व है कि यार मेरा घर वालों ने ये नाम रखा, तो हम सबको अपने नाम पर गर्व होना चाहिए, क्या उल्टा सीधा नाम रख के बैठे हो यार। भाई जो भी मैं सब्जेक्ट या चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। पुष्पा जी बोल रही वीडियो लैगिंग हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन है वो कौन कौन सी दो कंट्रीज थी जिसके ऊपर अटैक किया गया था नेशनल असेंबली के द्वारा। नेम The two countries which were attacked by the National Assembly जल्दी से आंसर दे। रुचिका रूहासानी, मेरा नाम अर्जुन सर है बच्चा, अर्जुन सिंह सेंधव। जल्दी से आंसर दीजिए। तन्मय वर्मा जी टुलरी से एक जगह का नाम था आकांक्षा त्रिवेदी जी, महल का नाम था। आंसर फास्ट, आर्यन चौहान ने सबसे पहले आंसर दिया है। आर्य चौहान, प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। ठीक है, आर्य चौहान का सबसे पहले आंसर आया आर्य चौहान। अनमोल कश्यप का भी है, अभिनव का भी आंसर, हिमांशी मेहता ने भी आंसर दिया, तृप्ति कुमार, वेदिका, सभी लोग लाइन से आंसर देते हुए। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर देते हुए। नितेश माली जी यहाँ पर बात में ही लगे, इनके आंसर निकल के आ ही नहीं रहे हैं। चलिए बाय। ये